नमस्कार, मैं हूं अवनीत आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आज पूरी दुनिया में महिलाओं का एक जो चरित्र सामने आ रहा है कि वो कितनी मेहनती होती हैं। उनको कभी अबला कहा जाता था, लेकिन आज महिलाओं ने साबित कर दिया है कि उनकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा ने उनको चांद तक पहुँचा दिया है, अंतरिक्ष तक पहुँचा दिया है, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुँचा दिया है। उसी कड़ी में आज हमारी खास मेहमान है लखनऊ की कंचन अवस्थी जी, जो मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आज आपको बताएंगी कि 4-5 साल के अंदर उन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिभा को एक नया आयाम देने का काम किया है। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ये बताइए कि लखनऊ और मुंबई में सबसे ज़्यादा बदलाव क्या महसूस किया आपने जब आई? तो सबसे बड़ा बदलाव तो क्योंकि मैं फूडी हूँ और मुझे जो सबसे बड़ा बदलाव यही लगा कि लखनऊ के खाने का जवाब नहीं था। सो मुंबई में आके मैंने वो बहुत मिस किया, लखनऊ के टिक्की चाट बताशे। तो ये मुंबई का वड़ा पाव कैसा लगा जब पहली बार आपने खाया? पहले सुन रखा था क्या वड़ा पाव? नाम सुना था मैंने। नो डाउट, भेलपुरी बहुत अच्छी है यहाँ की। सो कहते हैं ना कि एडजस्ट कर लेते हैं, जब हमें चाट बताशे की याद आती है तो हम कुछ नहीं तो भेलपुरी खा लेते हैं। अगर हम आपके रंगकर्म जीवन की बात करें, थिएटर की शुरुआत कब और कैसे की आपने? सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले शुरुआत थिएटर से ही हुई हमारी। और हम लखनऊ में, हमारी फैमिली थोड़ी सी कलाकारों वाली फैमिली है। मेरा भाई तबला प्ले करता है, मेरी सिस्टर ने म्यूज़िक में PhD किया है। तो जब मैं साइंस की पढ़ाई कर रही थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं थिएटर में या म्यूज़िक में जाऊँगी या कैसे क्या होगा। लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं म्यूज़िक सीखूँ, तो उन्होंने मेरा एडमिशन भातखंडे में करवाया। भातखंडे में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली मैंने कम से कम 4 साल, और कंटिन्यू तो नहीं कर पाई क्योंकि संगीत मतलब उसका कोई भी एंड नहीं होता है। सो शुरू किया मैंने, शुरुआत मेरी संगीत से ही हुई और उसी दौरान मैं थिएटर करने लगी, स्टेज शोज़ करने लगी। तो स्टेज शोज़ में क्या होता था कि डायरेक्टर्स को ऐसी ज़रूरत होती थी कि एक्टर गाना भी गा लें और एक्ट भी कर लें। थिएटर में तो ये ज़रूरी होता है। हाँ, एक्चुअली कभी भी आप थिएटर में जाएं तो ये सोच कर जाएं कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा। चाय का जो कप होता है, हाँ, वो उठाना पड़ता बिल्कुल, है बिल्कुल। जो सीनियर होते हैं उनके आने के पहले उनके बैठने की व्यवस्था की जाती है, गाना तो पड़ेगा ही अभिनय। और आशुतोष जी, मैं तो ये कहूंगी कि थिएटर से ही शायद आप अनुशासन भी सीखते हैं। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी चीज है आपको इतना कुछ पता होना। लेकिन क्योंकि जस्ट मैंने स्कूलिंग खत्म की थी और मैं सोच रही थी मुझे क्या करना है, BSc करना है या डॉक्टर बनना है, उसकी तैयारी करनी है। ये कब पता चला, कब डिसाइड किया आपने कि मुझे एक्टर बनना है? सर, मुझे लगता है ये तीन साल पहले ही मैंने ये डिसाइड किया। तब क्या रिएक्शन था घर वालों का? उनका ये कहना था कि आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो और संगीत कंटिन्यू रखो। सो कंटिन्यू था संगीत तो मैंने 2012 से ही शुरू किया था। तो जब संगीत कंटिन्यू था, जैसे मैंने बताया कि थिएटर शोज़ होते थे, तो जो भी लखनऊ में म्यूज़िकल शोज़ होते थे, तो इसमें ये था कि अरे यार एक्टर ऐसा हो, गाना भी गा ले और एक्ट भी कर ले। तो वो मेरा फर्स्ट शो था कि जिसमें मैंने एक्ट भी किया और गाना भी गाया। बेसिकली मैं गाना गाने के लिए गई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं मैं एक्ट भी कर सकती हूँ या ट्राई करते हैं लाइक दैट, तो मेरा वो पहला शो था जिसमें मैंने गाना भी गाया और एक्ट भी किया। बस वहीं से शुरुआत थे, समझ। तो कुछ ऐसा हो जाए कि इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी चाहते हैं कि कुछ भातखंडे का नाम लिया आपने, मुझे लग रहा कि वो वानगी तो आ ही जानी चाहिए, जो आपको पसंद है कुछ भी, तो एक आध तरन्नुम में कुछ हो जाए। ओके ठीक है, मुझे आशा जी के गाने बहुत पसंद हैं और उनका एक सॉन्ग है आओ हुजूर तुमको, वाह वाह, वो मैं 2 लाइन गाती हूँ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। थैंक यू। लखनऊ से जब आप आई तो आपने ये क्या सोचा होगा कि मतलब थिएटर में जाएं या सीरीज में जाएं? वेब सीरीज का जमाना भी चल रहा है, सीरियल का जमाना तो है ही, फिल्मों क्या मतलब ज्यादा कंफर्टेबल किस में महसूस करती हो? आशुतोष जी, अगर हम बात करें कि एक कंफर्टेबल और सेटिस्फेक्शन वाली बात जो है
वो तो हमें थिएटर से मिलता है जो फैक्ट है, क्योंकि हमें वहाँ किरदार जीने को मिलता है और हम उसे कंटिन्यू कर पाते हैं। और कैमरे के सामने क्या होता है, वो कट में होता है तो वो कहीं ना कहीं किरदार छूटता है, फिर भी कोशिश रहती है। बट अभी वो ज़माना ख़त्म हो गया कि हम जो है सिर्फ थिएटर कर रहे हैं या सिर्फ टेलीविज़न कर रहे हैं। अभी आज बहुत चेंज हो गया है, आज वेब सीरीज़ का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो लोग यूट्यूब के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो अभी वो जो होता था ना, नहीं मैं टेलीविज़न करूँगी या मैं सिर्फ फिल्म करूँगी, वो मतलब टैबू हट गया है। तो मेरी लाइफ में भी जो भी 3 साल का करियर है मेरा, तो मुझे लगता है मैंने थिएटर से शुरुआत की, मैंने टेलीविज़न भी किया, मैंने अभी 2 साल पहले एक शो किया था अम्मा, CTV पे आता था, तो वो शबाना मैम के साथ काम करने का मौका मिला और मैं कहूँगी मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ शबाना मैम की। सो जब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया तो मुझे लगा अरे मतलब मैं उनकी फिल्में देखती थी। और आज दिन का भी तो इंतजार होगा ना जब शबाना जी आपको कहें मैं तुम्हारी फैन हो गई। एक कलाकार की चाहत होती है बिल्कुल बिल्कुल। और इमेज के बारे में बहुत ज्यादा मतलब आज के लोग जो हैं नहीं सोचते, पहले एक जमाना था जब सब अपनी इमेज के बारे में सोचते थे, आज एक्टर खुल के कुछ भी करता है। बिल्कुल, आपने क्या सोचा इमेज के बारे में? इमेज के बारे में मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप दिल से साफ हैं तो आपको बनाने की, कहते हैं ना कि नहीं ये इमेज कैरी करके चल रही हूँ, मैं हूँ ही ऐसी, मैंने कभी भी खुद को लाइक नहीं कि मैं तो ऐसे चलूँगी, मैं ऐसे सोचा करूँगी, कभी नहीं, कभी सोचा ही नहीं मैंने। मुंबई की मुलगी बिंदास है जो कहते हैं ना, मुंबई की मतलब जो है इट्स ओके, मैं ऐसी ही हूँ, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आती हूँ बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, डायरेक्ट बोलना पसंद करती हूँ, पीठ पीछे बात करने से अच्छा सामने बोल दो। तो शायद खूबियां भी हो सकती हैं, कमियां भी हो सकती हैं, पता नहीं, बट ऐसी ही हूँ मैं। आज आपसे पूछा जाए कि 3 बड़े स्टार में से किसी का नाम लेना हो जिसके साथ आपको लीड रोल करना पड़े जी, तो किसको किसका नाम लेंगे आप? जी सबसे पहले तो मैं अमित जी का नाम लूँगी, मैं बहुत ही उनसे प्रभावित हूँ और सदी के महानायक हैं ऑफकोर्स, उन्होंने उनका काम जब भी देखती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि हो सकता है ईश्वर कभी मौका दे साथ में काम करने। संभव कुछ भी नहीं है। आसमान छूने की बात ही है, जब आप लखनऊ से मुंबई तक पहुँच चुकी हैं तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और क्या क्या सोचा है अपने बारे में, क्या क्या मतलब किस हद तक आप काम करना चाहती हैं? जैसे मैंने बताया ना कि संगीत का कोई एंड नहीं था जब मैंने शुरू किया, 3-4 साल मैंने कंटिन्यू किया। और जैसे बहुत सारे करेक्टर आपके पास ऑफर आएंगे जी, तो उसमें मतलब किस तरह से प्राथमिकता देंगे आप चरित्रों को या सीरीज को, सीरियल को, फिल्म को, क्या आधार होगा आपका ये करना है ये नहीं करना है, वैसा कुछ तो डिसाइड करेंगे आप? मुझे लगता है कि अच्छा किरदार निभाना मेरी मतलब सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि मैं अच्छा किरदार निभाऊं और उसके साथ कहते हैं ना कि मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊं जो भी किरदार निभाऊं। अरे अगर नहीं करना चाहूँगी तो मैं शायद वो किरदार चुनूंगी नहीं, जब मुझे लगेगा कि मैं कर नहीं सकती हूँ या मैं इंसाफ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कभी भी उसको कभी भी अपने माइंड में भी नहीं सोचूंगी कि मुझे करना है। लेकिन जिसके साथ मैं इंसाफ कर सकती हूँ, जो कर सकती हूँ, सबसे पहले मैं उसको प्राथमिकता दूंगी ऐसे किरदार। अगर हम बाकी पक्षों की बात करें, जिस तरह से अभिनय तो है ही, उसके अलावा लेखन है, प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, कुछ और भी सोचा है अपने बारे में आप एक्टिंग के बाद भी कुछ कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि एक विधा, वो कहते हैं ना एक साधे सब सधे, तो हमारे घर में भी यही कहावत काफ़ी प्रचलन में थी, सब ऐसा बोलते थे कि एक साधे सब सधे, तो हमें लगता है कि शायद एक को कंटिन्यू करते हैं, जो भी होगा वो तो आगे पता ही चलेगा। जी जी। और क्या क्या तैयारियां कर रही हैं बाकी आगे बढ़ने के लिए? बहुत, क्योंकि बहुत संघर्ष है मुंबई में, आपको कभी डर भी लगा या घबराहट भी कभी कि यार पता नहीं कहाँ मैं आ गई कभी, या फिर सबको पछाड़ दूंगी मैं? नहीं, डर जैसा तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। बिल्कुल, लेकिन डर जैसा कुछ भी नहीं लगा, मुझे डर नहीं लगता है कि डर के आगे घर है, डर के आगे घर, अंदर जो छुप जाता है वही डरता है। और जो घर से लड़की निकल के आप आगे यहाँ तक पहुँची है, तो कुल मिलाकर आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो सोच है, सकारात्मकता है, वही आपको कहीं ना कहीं से प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी लखनऊ से मुंबई शिफ्ट करना, बिकॉज जहाँ से हम लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, वहाँ से ये होता है नहीं 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 बेटा जो भी करना है आप यहीं करो, और अंधेरे के बाद घर लौट आना, तो वहाँ तो इस तरह की चीज़ें थी, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी चीज़ हुई है लाइफ में कि जब मैं लखनऊ से मुंबई आ सकती हूँ तो फिर कुछ भी हो सकता है।
आज लिव इन रिलेशन का जमाना है, मुंबई में आपको पता हुआ होगा, लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो लड़कियों को खासकर ये बता देते हैं कि बेटा बहुत हुआ, अब शादी करके घर बच्चे पैदा कर, घर संभाल। इस तरह की जब भाषाएं आती हैं, इस तरह की बातचीत होती है, तो बताओ कलाकार कैसे रिएक्ट करती हैं आप? मुझे लग रहा है कि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। मतलब मुझे याद है 3 साल पहले जब मैं लखनऊ से आई थी तो इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन 3 साल में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया है जो मैंने नहीं इमेजिन किया था। तो अभी जो जनरेशन गैप है ना, वो तो लाइक 3-4 साल में चेंज हो रहा है। तो वो जो चीज़ें होती थी, जो आपने कहा अभी कि अभी बेटा शादी कर लो, बहुत हो गया है ना, शादी वादी कर लो, घर बसा लो, ये ऐसा, अभी तो बच्चे औरतें माँ बन जाती है फिर शादी, हाँ, तो अभी बहुत चेंजेस हो गए हैं और अभी एक आजादी महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है अभी के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा मच्योर हो गए हैं, उन्हें भी लाइक ये समझ में आता है कि बच्चा पहले सेटल हो जाए फिर वो अपने मन से लाइक शादी वादी कर ले वैसा। तो वो मुझे अच्छी चीज लगती है कि चलो अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं और हम लोग ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर अभी इस तरह की चीजें आई हैं जो कि पहले नहीं थी। कंचन की जिंदगी में ऐसा क्या है जो बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करता है? कंचन की जिंदगी में कुछ तो होगा जिसको आप कभी पाना चाहती होंगी, मिस करती होंगी या फिर उससे नफरत करती होंगी? सोचिए, आराम से सोचिए। आकाश आपके साथ है और जब आकाश की बात होती है तो सारी सीमाएं वहाँ खत्म हो जाती हैं और एक नई सीमा तय की जाती है अपनी प्रतिभा से। बिल्कुल। सो अभी तो चाहत जैसी जो बात है तो यही है कि अपना जो भी करियर है उसमें मुझे लाइक बिल्कुल एक्टर बनना है कि स्टार बनना है? मुझे एक्टर बनना है बस। ये जो डिसीजन है, ये जो अपनी पहचान है, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि मैं स्टार बनता हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी धरातल को मजबूत करें और वह सिर्फ अपने आप को एक्टर बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बुनियाद, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जो बेस है वो थिएटर है, तो कोई आपको बिल्कुल। और मुझे लगता है जहाँ से शुरुआत हुई है थिएटर से, वो छोड़ के तो मैंने कहा ना, जैसे सबसे पहले बताया कि उससे सेटिस्फेक्शन आता है, एक किरदार में हम होते हैं, उसको जी रहे होते हैं, तो लाइक सेटिस्फेक्शन तो थिएटर में ही है। और सबसे पहले एक्टर ही बनना चाहूँगी मैं। एक्टर जब आप बन जाते हैं तो ऐसा खुद ब खुद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो छोटे शहरों में रहती हैं लेकिन ख्वाब बड़े होते हैं? ख्वाब तो बड़े ही होने चाहिए मुझे लगता है। उनके ख्वाब को ना, उनका जो पर होता है वो कतर दिए जाते हैं समाज के द्वारा, घर परिवार के द्वारा। आप तो खुश नसीब हैं कि आप लखनऊ से यहाँ तक आ चुकी हैं। बिल्कुल। उनको क्या कहना चाहेंगे कि वाकई क्या करना चाहिए उनको, जो घुटती हैं बता नहीं पाती लोगों को कि मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ? मुझे लगता है कि अगर शिद्दत से आप चाहते हैं कुछ भी तो वो होता ही है, फिर चाहे वो आप एक्टर बनना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आपने शिद्दत से सोचा है, कोई ख्वाब देखा है, तो वो पूरा ज़रूर होगा, बस खुद पर भरोसा रखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जी आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। और निश्चित रूप से आज की तारीख में जिस तरह से लड़कियाँ, खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ उन्होंने दस्तक नहीं दी है। और इसी कड़ी में आज कंचन लगातार अपनी जो चाहत है, अपनी जो प्रतिभा है, उसको लेकर मुंबई तक पहुंच गई हैं। और जिस तरह से इन्होंने थिएटर के साथ साथ वेब सीरीज, फिल्म और सीरियल की बात कर रही हैं, काम कर रही हैं, ऐसे में इनकी जो शक्ति है उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो इस खास पेशकश में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके आसपास भी कोई ऐसी प्रतिभा है जिसको लगना चाहिए कि प्रमोशन देना ज़रूरी है या फिर उसका मार्गदर्शन करना ज़रूरी है, तो आप सीधे इन24 न्यूज़ पर उसको भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।